गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन ले लिया है, हमारे मंत्री जी माननीय मंत्री जी श्री पोखरियाल जी, नीट के एग्जाम के बारे में, जेईई के एग्जाम के बारे में इनका मैं स्वागत करता हूं। और जेईई के एग्जाम जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने के लिए 1 सितंबर से 6 सितंबर 6 दिन एग्जाम चलेगी। गोवा में 2 सेंटर्स हैं इनके, एक है ईआईटी शिरोड़ा, राहेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शिरोड़ा, यहाँ में एक सेंटर है, और टीसीएस सेंटर, ट्री स्टार सेंटर एट द पाटो प्लाजा, यहाँ पे उनका एक सेंटर है। उसी एग्जाम्स कल से स्टार्ट हो रही हैं, इसीलिए हम उनकी सब कुछ तैयारी मैं मॉनिटर कर रहा था। आज ही मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इन्हीं के साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके यानी उनकी पूरी वहाँ पे सब तरह की तैयारियाँ, जिस तरह से कि सभी नॉर्म्स का पालन करें, इसके लिए वो तैयारी कर चुके हैं। और नीट के एग्ज़ाम जो 13 सितंबर को हैं, जो 15 सेंटर्स पे एग्ज़ाम होने वाली हैं, और 4,595 और जेईई के पकड़ के अप्रॉक्सीमेटली 5,500 स्टूडेंट्स आर सिटिंग फॉर द जेईई एंड नीट एग्ज़ाम। इन सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और उनको मेरे बेस्ट विशेष है सरकार की तरफ से। इन्होंने खुद का ध्यान रखते हुए एग्जाम देनी है और उनके आगे के फ्यूचर के लिए ये एग्जाम बहुत ही जरूरी है।